अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। वेलकम टू योर फिजिक्स लेक्चर ऑफ क्लास 10th। टुडे आर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 14, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक पावर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट में से, तो वो फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसकी वजह से करंट जो सर्किट में से फ्लो होता है। इसका मतलब है कि कंडक्टर में काम परफॉर्म होता है जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो होता है। बेसिकली डैट इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है कि जितना काम परफॉर्म होता है वो इक्वल होता है जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे अगर आप दौड़ें तो कितना दौड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है इस पे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। आप जितना दौड़ सकते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी से एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितनी भी एनर्जी आप भागने में यूज़ करेंगी, सेम इक्वल अमाउंट में एनर्जी आपको अपनी बॉडी से भी रिक्वायर्ड होगी। ऐसे ही करंट अगर कंडक्टर में फ्लो करता है तो उस सर्किट के अंदर काम परफॉर्म होता है, बेसिकली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को, वो उतनी ही यूज़ करेगा जितना उसको सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा। विच मीन्स डैट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डैट इज पावर, अगर किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना हो तो उसको हम उस क्वांटिटी को टाइम की रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। सो द फार्मूला ऑफ पावर इज पी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है जो करंट परफॉर्म करता है, और टी यहाँ पे टाइम पीरियड है जितना करंट रिक्वायर्ड करता है फ्लो करने में। सो वी कॉल इट इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन तो उतना ही होगा जितना एनर्जी कंज्यूम करेगी, मीन्स जो करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में वो उतना ही होगा जितना आप करंट दोगे इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क अलोंग द सर्किट हमारे पास आ जाएगा क्यू वी। तो यहाँ पे आप पुट करते हो क्यूब अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो क्यूब बाई टी की जगह आप पुट कर देते हो करंट आए, तो वी एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक पावर पी इक्वल्स टू आई वी। आई यहाँ पे करंट है, वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू पुट वी इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे आई की वी की रिप्लेसमेंट आप करते हो आई आर से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इक्वल्स टू आई आर। तो जब वी की जगह आप आई आर पुट करते हो तो जो फाइनल हमारे पास फार्मूला बनता है पावर का, डैट इज़ पी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। आई स्क्वेयर कैसे बनेगा, क्योंकि आई इंटू आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आई स्क्वेयर बन जाएगा और आर एज इट इज़। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का बनता है फार्मूला पी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है हमारे पास, ऑब्वियसली यूनिट हम जो वो डेफिनेशन से निकालते हैं, पी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट हमारे पास जॉल्स होता है और टाइम का हमारे पास सेकेंड होता है। सो वी गेट द फार्मूला ऑफ पावर इक्वल्स टू जाउल पर सेकेंड। जाउल पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट। पावर का यूनिट हमारे पास वॉट आ जाएगा, वॉट इक्वल्स टू जाउल पर सेकेंड। सो अगर आपको वन वॉट कैलकुलेट करना है तो सारी क्वान्टिटीज जो हैं वो वन होनी चाहिए। वन वॉट इज़ द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। इट डन्स वैन इट डू वन जाउल वर्क इन वन सेकेंड। सो the electric power that is 1 watt equals to 1 joule upon 1 second. So this is all about today's lecture, that is electric power.